तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 29 जून 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, इसरो 13 जुलाई को लॉन्च कर सकता है चंद्रयान 3। अगर चांद पर लैंडिंग कामयाब हुई तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया में चौथा देश होगा। जी हां, भारत का चंद्रयान 3 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसरो के अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है कि इसे 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच लॉन्च होना है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगले महीने चंद्रयान 3 के लॉन्च होने की पूरी संभावना है। बताया गया है सारे टेस्ट पूरे हो जाने के बाद लॉन्चिंग की सही तारीख की घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी जाएगी। वहीं बताया गया अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया में चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन को 12 जुलाई 2019 को यानी कि अभी से लगभग 4 साल पहले लॉन्च किया गया था। फिर करीब 2 महीने के बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम नाम का लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो उसी के बाद से ही चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी चल रही है और अब ये तैयारी लगभग पूरी हो गई है। उम्मीद है इस बार हम ये बड़ा रिकॉर्ड बना लेंगे। देखिए अगली खबर, उत्तराखंड बनेगा नजीर, अगस्त के महीने से पहले लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून, यानी कि उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है। जी हां, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को अगस्त के महीने से पहले लागू किया जा सकता है। वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले यूसीसी को लेकर पहल की थी। उनका कहना है कि यह संविधान के मूल भावना के अनुरूप है और उत्तराखंड इसकी अगुवाई करेगा। इसी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है, ये जल्द ही लागू हो सकता है। वहीं आपको बता दें ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्यों के हिसाब से लागू किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इसे पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया जाएगा। वैसे आप में से जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के बारे में नहीं जानते हैं, आइए उन लोगों को इस कानून के बारे में बड़े ही आसान शब्दों में बताते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून क्या है। आपको बता दें इसी कानून को हिंदी भाषा में समान नागरिक संहिता कानून कहा जा रहा है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है सभी लोगों के लिए एक जैसा नियम। दोस्तों आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, पहला होता है क्रिमिनल कानून और दूसरा होता है सिविल कानून। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदाय के लिए एक ही तरह की कोर्ट और जो सजा देने का प्रोसेस है उसका प्रावधान, उसका नियम कानून बिल्कुल एक जैसा होता है, चाहे धर्म कोई सा भी हो। मिसाल के तौर पे समझें कि अगर किसी ने चोरी की तो इस चोरी के अपराध में कोर्ट सजा सुनाते समय इस बात का ख्याल नहीं करेगा कि जिसको सजा दी जा रही है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है या कोई और है, यानी कि कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने, अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुसलमान, इस बात से FIR या फिर सुनवाई पर या सजा वगैरह पे कोई अंतर नहीं पड़ता। वहीं सिविल कानून में सजा दिलवाने के बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पे जोर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो गया है, अब उन्हीं में से किसी एक ने मानहानि का दावा कर दिया या पति पत्नी के बीच कोई मसला पैदा हो गया है, कोई परेशानी हो गई है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट सेटलमेंट करता है, यानी कि मामलों को सुलझाने की कोशिश करता है, यानी कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। अब वो चाहे पति पत्नी हो या फिर दो भाई हो या कोई और हो जिनका प्रॉपर्टी में विवाद हो रहा है। वहीं इस तरह के कानून में पीड़ित पक्ष को यानी कि जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको मुआवजा दिलवाया जाता है। वहीं आपको बता दें सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है, यानी कि इस तरह के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट इन सभी चीजों को देखा जाता है सिविल कोर्ट कानून में। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें शादी ब्याह या फिर तलाक या संपत्ति से जुड़ा मामला इसी सिविल कानून के अंदर आता है। जैसा कि शायद आप जानते होंगे इंडिया में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। किसी एक धर्म में संपत्ति का बंटवारा अलग तरह से होता है तो किसी एक धर्म में शादी या तलाक का रूल कुछ और है। अभी तक आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अभी तक मुस्लिमों में शादी या संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाइयों और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है, यानी कि धर्म के हिसाब से कानून बने हुए हैं। पर दोस्तों जो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून आने वाला है उसके जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है, यानी कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक जैसा कानून होगा, चाहे व्यक्ति का धर्म या जाति कुछ भी हो। एक और मिसाल से आपको ये कानून बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी पर्सनल लॉ कानून के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। यानी कि फिलहाल अभी तक हिंदू मुस्लिम यानी कि दोनों धर्मों में शादी का जो कानून है वो अलग अलग है, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू हो जाएगा तो उस कानून में जो नियम बनाया गया होगा शादी के लिए वो मुस्लिम पुरुष के लिए भी एक होगा और हिंदू पुरुष के लिए भी वही होगा। अभी आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट दिखाई जा रही है, इस लिस्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि सिविल कोड कानून के तहत कौन कौन से मामले आ सकते हैं।
देखिए अगली खबर। टीवी पे फिर आ रही है रामायण। आदि पुरुष मूवी पर उपजे विवाद के बीच रिपीट टेलीकास्ट का लिया गया है फैसला। जी हां, रामानंद सागर की रामायण का टीवी पर फिर से प्रसारण होने जा रहा है। यह ऐतिहासिक शो आने वाले 3 जुलाई से फिर से ऑन एयर होने जा रहा है। आप इसे श्रीमारू टीवी पर देख सकेंगे। रामायण को टीवी पे फिर से दिखाने का फैसला तब लिया गया है जब आदि पुरुष मूवी को लेकर लोगों में रोष देखने को मिल रहा है और आदि पुरुष मूवी के जरिए रामायण की एक गलत छवि लोगों के सामने पेश की गई है। तो इसी की वजह से कहा जा रहा है शायद उसी छवि को सुधारने के लिए दोबारा रामायण का टेलीकास्ट किया जाएगा आने वाले 3 जुलाई 2023 से। देखिए अगली खबर। फिल्म 72 हुरे का ट्रेलर हुआ रिलीज। हर जगह बिछी दिखी लाशें। युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाने पे ये फिल्म है आधारित। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर युवा अपने आप की अपनी ही जान ले लेते हैं। अपने बदन पे बम लगाकर, यानी किस तरह के बॉम्बर अपने बदन पे ही बम लगाकर किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे चले जाते हैं और बम के धमाके का बटन दबा देते हैं। इस धमाके में वो खुद भी मरते हैं और कई लोगों को लेके मरते हैं। तो 72 हुरे फिल्म का जो ट्रेलर है उसमें यही दिखाया गया है कि कैसे एक आतंकवादी को 72 हुरों का लालच देकर उसे बहकाया जाता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, इस मूवी के ट्रेलर में जैसे सीन्स वगैरह दिखाए गए हैं उसको सेंसर बोर्ड ने आपत्तिजनक माना है। इसी की वजह से इस मूवी का ट्रेलर सिनेमा हॉल यानी कि थिएटर वगैरह में रिलीज नहीं किया गया है और शायद ऐसा लगता है ये मूवी भी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर सेंसर बोर्ड की परमिशन मिल जाती है तो फिर ये रिलीज भी हो सकती है। देखिए अगली खबर। बद्रीनाथ में नहीं पढ़ी जाएगी बकरीद की नमाज। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी, उत्तराखंड पुलिस ने बद्रीनाथ में बकरीद की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। पुलिस ने शांति समिति बैठक में कहा है कि यहाँ जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो 40 किलोमीटर दूर जोशीमठ में जाकर नमाज अदा करें। बद्रीनाथ के थाना प्रभारी केसी भट्ट ने कहा है कि यहाँ मुस्लिम समाज के लोग स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। वहीं बताया गया है ये फैसला सभी की सहमति से लिया गया है। देखिए अगली खबर। आने वाले जुलाई के महीने से हो सकते हैं 2 बड़े बदलाव। आइए बताएं अधिक जानकारी। तो पहला बड़ा बदलाव हो सकता है एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम को लेकर। दोस्तों अभी हाल ही में बीते 1 तारीख को यानी कि 1 जून 2023 को गैस सिलेंडर के नए दाम जारी किए गए थे। तो उस समय जो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दामों में कटौती की गई थी। हालांकि जो 14 किलो 200 ग्राम वाला यानी कि घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि आने वाले 1 जुलाई को एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किया जा सकता है और क्या पता ये सस्ता हो जाए या फिर महंगा हो जाए। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव हो सकता है सीएनजी और पीएनजी के दाम को लेकर। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि पीएनजी उस रसोई गैस को कहा जाता है जो पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती है और सीएनजी तो आप जानते ही होंगे। तो बताया गया सीएनजी और पीएनजी के दाम भी तय किए जा सकते हैं 1 जुलाई 2023 को। तब ये भी सस्ता हो सकता है या फिर महंगा हो सकता है। देखिए अगली खबर। देश में 4 लाख सड़क हादसों में 1.5 लाख लोगों की गई जान। जुर्माना बढ़ने का नहीं दिख रहा असर। जी हां, देश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद ये उम्मीद बंधी थी कि अब सड़क हादसों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। मौजूदा समय में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। बताया गया 4 साल पहले लागू हुए नए मोटर वाहन अधिनियम में चलान राशि में कई गुना बढ़ोतरी हुई थी। देश में प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 4 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में रोजाना औसतन 421 लोगों की जान जा रही है। अमेरिका में 1 साल के दौरान 19 लाख हादसे हुए लेकिन मौत का आंकड़ा केवल 36,560 था। तो आप देख सकते हैं कि जो जान जाने का आंकड़ा है उनमें कितना ज्यादा फर्क है। आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका में सड़क हादसों के कारण 1 साल में लगभग 36,000 लोगों की जान गई है, लेकिन वहीं अपने इंडिया में 1.5 लाख लोगों की जान गई है। हालांकि ये बात अलग है कि अपने देश की जनसंख्या वहां से काफी ज्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा गया है कि अभी हाल ही में कुछ साल पहले नए मोटर कानून के तहत जो जुर्माना की राशि चलान की राशि कई गुना कर दी गई थी उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। दुर्घटनाएं कम नहीं हो पा रही हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो तो वैसे ही बना हुआ है या उल्टा ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए अगली खबर। बेटों ने हथौड़े से तोड़े मां के हाथ पैर। बचाने आए पिता को भी जमकर पीटा। बहू और बच्चों ने भी की मारपीट। जी, राजस्थान के अलवर जिले के बीबी रानी थाना इलाके के खेड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां दो कलयुगी बेटों ने जमीन अपने नाम करवाने के लिए मां के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर दी हैं। बताया गया आरोपी बेटों ने पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर पत्थर तोड़ने वाले हथौड़ों से मां के दोनों पैर और हाथ तोड़ दिए, साथ ही मारपीट कर पिता को भी घायल कर दिया। बुजुर्ग दंपत्ति को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल वृद्धा महिला की बेटी बीना ने बताया है कि उसके पिता उदय चंद मेघवाल जिनकी उम्र 65 साल है और जो माँ है उनकी उम्र 60 साल है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो कि बुजुर्ग की कैटेगरी में आते हैं उनके साथ कलयुगी बेटों ने कैसा हश्र किया है। जाहिर है इन लोगों पर यानी कि बेटों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसी उम्मीद है। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऐसे बेटों को लेकर आपका क्या कहना है। देखिए अगली खबर। त्रिपुरा में जगन्नाथ रथ यात्रा में 7 लोगों की गई जान। 18 लोग झुलसे। हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया था रथ। जहां त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले में बीते बुधवार शाम इस्कॉन मंदिर की ओर से निकाली जा रही जगन्नाथ यात्रा का रथ टेंशन तार की चपेट में आ गया। इससे 2 बच्चों समेत 7 लोगों की जान चली गई है। वहीं 18 लोग घायल हो गए हैं। देखिए अगली खबर। आदि पुरुष मूवी पे बोला हाई कोर्ट, फिल्म को पास करना है ब्लंडर। अगर कुरान पे ऐसी फिल्म बनाई होती तब देखते क्या होता। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने बीते बुधवार को फिल्म आदि पुरुष के आपत्तिजनक डायलॉग के मामले में लगातार 3रे दिन सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जिस रामायण के किरदारों की पूजा की जाती है उसे एक मजाक की तरह कैसे दिखा दिया। वहीं फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया। फिल्म को पास कर देना एक ब्लंडर है। फिल्म मेकर्स को तो सिर्फ पैसे कमाने हैं क्योंकि पिक्चर हिट हो जाती है। वहीं कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर
मुबारक कुरान पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाकर देखिए, जिसमें गलत चीजों को दर्शाया गया हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। आपको कुरान बाइबल को भी नहीं छूना चाहिए। मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी भी एक धर्म को टच ना करिए, आप किसी भी धर्म के बारे में गलत ना दिखाएं। दोस्तों, कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी लगातार 3 दिन से आदि पुरुष मूवी को बनाने में जो लोग शामिल है उन सभी लोगों की खटिया खड़ी की जा रही है, यानी कि बहुत सारी बातें कोर्ट द्वारा सुनाई जा रही है। और जिन्होंने इस मूवी के डायलॉग लिखे हैं, यानी कि मनोज मुंतशिर ने, उनसे तो एक हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा गया है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखिए अगली खबर, शमशान घाट में युवती के साथ दो युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, नशे में पार की दरिंदगी की हदें। जी, देहरादून में ई रिक्शा में लेकर जाकर टपकेश्वर मंदिर के पास शमशान घाट में एक युवती से दो युवकों ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दो युवकों ने यहाँ वहाँ नहीं बल्कि शमशान घाट में लड़की को ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया है। साथ ही उन्होंने मारपीट की और लड़की का वीडियो भी बनाया। बताया गया आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए अगली खबर, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हुआ जानलेवा हमला, पेट को छूते हुए निकली गोली। जी, उत्तर प्रदेश से सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ। वो दिल्ली से अपने घर सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे जा रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला किया गया। बताया गया बंदूक की गोली उनके पेट को छूकर निकल गई। वहीं बताया गया आरोपियों ने गोली 4 बार चलाई थी। देखिए अगली खबर, चीन के वुहान का रिसर्चर बोला, कोरोना वायरस से चीन का बायोवेपन, हमें लैब में 4 स्ट्रेन मिले, टेस्ट करना था कि कौन सा सबसे ज्यादा संक्रामक है। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर ये बड़ा खुलासा हो रहा है, जिसमें ये बताया गया है चीन के वुहान के ही रिसर्चर ने इस बात को कबूला है कि कोरोना वायरस चीन का बायोवेपन है। यानी कि दोस्तों, पहले जमाने में तलवार या तीर वगैरह हथियार होता था, फिर उसके बाद तकनीक आगे बढ़ी और लड़ाकू विमान आ गए, बंदूक आ गया, राइफल वगैरह आ गए, तो इसी तरह से बायोवेपन भी एक हथियार है। लेकिन इसमें न तो बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है, न ही तलवार का और न ही लड़ाकू विमानों का, बल्कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है वायरस का। इसी बायोवेपन कहा जाता है। यानी कि अगर किसी देश के पास कोई ऐसा वायरस है जिसके जरिए लोगों की जान जा सकती है, लेकिन उस वायरस का तोड़ उस देश के पास तो है लेकिन दूसरे देश के पास नहीं है, तो ऐसे में अगर वो जंग के दौरान किसी दूसरे देश में उस वायरस को फैला देता है और वहाँ लोगों की जान जाने लगती है, तो इसी काम को, इसी वायरस को बायोवेपन कहा जाता है। तो चीन के वुहान के रिसर्चर ने ये बात खुद कबूली है कि कोरोना वायरस चीन का बायोवेपन है। उसने ये भी कहा है कि हमें लैब में टेस्ट करने के दौरान 4 तरह के कोरोना वायरस मिले थे, हमें टेस्ट करना था कि सबसे ज्यादा खतरनाक यानी कि संक्रामक कौन सा है, तो कोरोना वायरस को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए अगली खबर, 24 घंटे में 19 राज्यों में है भारी बारिश का अनुमान, आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में अब तक सामान्य से 40% ज्यादा बारिश हो चुकी है। ऐसे में हालात कई जगहों पे बद से बदतर हो गए हैं, कई जगहों पे पानी भर गया है, कई जगहों पे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि बारिश जितनी होनी चाहिए उससे 40% ज्यादा हो गई है। वहीं बताया गया देश के पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम और पश्चिम राज्यों में आने वाले 4 दिनों तक मॉनसून यानी कि बारिश का मौसम सक्रिय रहेगा, बारिश होती रहेगी। वहीं इसी कड़ी में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 19 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। आप इस तस्वीर के जरिए अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किस हिस्से में मध्यम बारिश होगी और देश के किस हिस्से में ज्यादा बारिश होगी। जैसे कि बताया गया बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये वो सभी राज्य हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है अगले 24 घंटे के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वगैरह में भारी से कम यानी कि मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बाकी विस्तार से वीडियो को रोककर देख सकते हैं। देखिए अगली खबर, गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी के लिए 3.68 लाख करोड़ का ऐलान भी किया है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने अगले सीजन के लिए गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP को बढ़ाने का फैसला किया है। इसे बढ़ाकर 2023-24 के लिए 310 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, इससे किसानों का फायदा होगा। देखिए अगली खबर, विदेश में आम आदमी पार्टी नेता लड़की संग रंगरलियां मनाता हुआ पकड़ा गया, कमरे में अचानक पहुंच गई थी पत्नी। जी हां, विदेश में आम आदमी पार्टी के नेता को एक लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हुए उसकी पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। वैंकूवर यानी कि कनाडा के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह अटवाल कमरे में पंजाबी लड़की के साथ थे। इसी दौरान पत्नी कमरे में पहुंच गई, लड़की के साथ पति को देख पत्नी भड़क गई। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।